बेस्ट एक्सपीरियंस एंजेलम अकेडमी। फोर्स ऑफ बॉयसी जो है वो प्लस ये स्पोर्ट कर सके कि वो हो सके। और यहाँ पर हवाई जहाज यहाँ पर जो मेरे जहाज है इनके अंदर उसकी डिजाइन कैसे की है, अलबत्ता जो सबमरीन्स हैं जो डूब जाती है पानी के अंदर उनको वजनी बनाया जाता है, और वो वजनी बनाने के लिए उनके अंदर उन्होंने कंपार्टमेंट्स रखे होते हैं, पानी अंदर सक करते हैं पंप्स के जरिए और उसका वजन जो है बढ़ जाता है, यानी उसका वजन जो है फोर्स ऑफ आईसी से ज्यादा हो जाता है, इसलिए उतर चली जाती है। और जब बाहर निकलना होता है वो पंप्स के जरिए पानी को कंसिडर करके बनाए गए वो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है उसका राइट। अगर किसी को अल्लाह ने पैसा दिया है तो चाहे वो हवाई जहाज में महंगे वाला टिकट लेके सफर करे, वो किसी सबमर्सिबल में इस बार से सफर करें, तो ये जवाब की हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इससे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए उनके ऊपर पैसा लगाया जाए बजाय इतने महंगे कामों में लगाने के। और मेरा ख्याल है वो उन्होंने क्या देखना था, उससे बेहतर तो हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, उधर तो स्क्रीन भी छोटी सी थी उसमें से क्या नजर आना था, उससे बेहतर फॉर्म में हम घर बैठ के अपने एयरकंडीशन कमरे के अंदर वो सारे के सारे मनाजर देख सकते हैं। बहरहाल कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जमीन में सैर करने का चलने फिरने का हुक्म दिया है, लेकिन वो सब कुछ इबरत के लिए, और उस एतबार से आपको जरूर सफर करना चाहिए। इस्लाम गॉड ओरिएंटेड है, इस्लाम में है कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अगर खुदा को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो आपका दीन। इस एतबार से सूरतुल हज में दो आयात है, आयत नंबर 45 और 46। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। वहिया ग़ानिमतुन फहिया ख़ाविया अला उरूशिहा, जो कि ज़ालिम थी नाफरमान थी और आज वो उल्टी पड़ी हुई है, रात की शक्ल में देखी जा सकती है। वबिकरिम मुअत्तला, और कितने ही कुएं हैं जो के खुश हो चुके हैं। एक घर था जिसमें रात को दिया जल रहा था और वो दिया बुझाना भूल गए, उसकी वजह से वो चूहा जो है जब वो उस दिए की बत्ती को लेके भागा तो जहां जहां से वो गुजरा वो आग लग गई और वो जल के राख हो गई। तो नबी साहब ने रात को आग बुझाया करो, आज के एतबार से आपने रात को जो अक्सर सुनते हैं खुसूसन हमारे इस्लामाबाद में तो ये हर साल वाकया होता रहता है कि रात को हीटर बंद करना भूल गए। ऑटोमेटिक हीटर्स जो है वो तो थोड़े महंगे आते हैं, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जब लोड शेडिंग होती है तो वो बंद होता है, जब फिर गैस आती है तो कितने लोग उसमें मारे जाते हैं। अभी तो ये बड़ी नेकी करते हैं हमारे सुई नॉर्दर्न और साउदर्न के लोग कि उसके अंदर सल्फर मिक्स की हुई होती है, अदरवाइज आपको पता है ये जो जमीन से गैस निकलती है इसकी स्मेल नहीं होती, इसके अंदर खुद स्मेल डाली जाती है ताकि कहीं पे लीकेज हो तो आपको पता चले। पर नबी इस्लाम के जमाने में वो चूहा बत्ती इसलिए ले गया था कि उस वक्त जो दिए थे वो खाने वाले तेल में बनाए जाते थे, उस जमाने में मट्टी का तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था। मट्टी का तेल अगर चूहा पी ले तो मर जाएगा। हाँ, कई लोगों को जिनको चूहे बड़ी होती है थोड़ा सा वो मट्टी का तेल लगाए, या किसी के वो दांत में इश्यूज होते हैं तो वो लगाते हैं, तो वो तो एक जबरदस्त इस एतबार से क्योरिंग चीज भी है। तो वो उस जमाने में मट्टी का तेल नहीं, वो खाने का तेल होता था। अमीर लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे, आम गरीब लोग जो है दूसरा घर में कोई घी जो निकाला जाता है उसको यूज करते थे। तो वो जाहिर है कि वो एक बुजुर्ग दावा करते थे कि जी वो नीचे देखा तो सातों जमीनें क्रॉस हो गई और ऊपर देखा तो अर्श तक पहुंच गया, उनको तेल नहीं नजर आया। और जिधर के लोग जाया करते थे मक्के मदीने के अंदर वहां तो 1960s में जाके तेल निकला है, ये बुजुर्ग वहां जाके क्या करते थे, क्यों नहीं तेल निकला, तो इसका मतलब ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं आपसे। दुनिया को अल्लाह ने बदलने एफर्ट रखा है, और ये इस हवाले से नबी इस्लाम की एक हदीस के सारे मामला क्लियर कर देगी। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले तीन अहदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने के अंदर नर और मादा, अलबत्ता तुम्हारे दुनियावी उमूर के अंदर अगर मैं कोई मशवरा दूं तो वह अंतुम आनमु भी अमरी दुनिया, तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर समझते हो। जरा नबी इस्लाम का तो एक्सपीरियंस नहीं था खजूर की फसल के एतबार से, आपका एक्सपीरियंस था
भेड़ बकरियां चराने के एतबार से, तजारत के एतबार से, और नबी अलैहिस्सलाम ने कोई इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर समझते हो। अगर मैं दीनी मामले में को मशवरा दूं वो ले लो, दुनिया में को मशवरा दूं तो तुम बेहतर समझते हो, अगर वो मशवरा दुरुस्त हो तो ले लो, अदरवाइज वो मेरी राय है। आज लोग इतराज करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एटम बम बनाने का तरीका क्यों आपको बताया, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे हिदायत के इमाम, उन्हें अल्लाह ताला ने इस फील्ड के लिए नहीं भेजा हुआ था। पहले का जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अलबत्ता सहाबा इकराम ने जरूर पढ़ा, ज़ाहिर मुसलमान है उसे दफनाना है, और अगर अल्लाह चाहे तो उसकी मग़फ़िरत भी करें।